रियल का जो हम पढ़ चुकी हैं, राय लेना, ओपिनियन लेना किसी का। कह रहे जी छे का सर जी, सॉरी, ये कम कम बंक के माने क्या है सर? कम बंक, आसानी से आसानी से, ठीक है सर। और इसे आगे वाला लफ्ज छत से वो मिल जाता है ना सर? छेगा मैं सुन मुरल तोहफा छुन भी हल्कायो, तोहफा तैयार करूं तोहफा रेडी करूं, ने हाँ सुमु शीगा सुन मुरल सासे हो, सुमु आप तोहफा खरीदिए, छेगा मैं केक 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 सल गए हो, मैं केक खरीद लूंगा, रिहान शी छोनुआ छोनुआ गा बसोयो फोन आया है, सॉरी दोबारा जी, रिहान शी छोनुआ का वसोयो, रिहान फोन आया है, छेगा मैं छोनवारल फादल कायो, मैं फोन वसूल करूं, ओपिनियन ले रहा जी रियल कायो, ने हाँ छोनवा छोम फादा छूसे हो, फोन वसूल कर लीजिए। ओके मैंने तो भाई पढ़ देना है आपको, आप तैयार करोगे तो तब है, अगर आप तैयार नहीं करोगे, वोकैबुलरी तैयार नहीं करोगे तो कोई समझ नहीं आएगी। ये है जी छिबरी, छिबरी कहते हैं घर की पार्टी, सोनमुल तोहफा, मैंने ये फोटो आपको सेंड की थी कि ये भाई पढ़ के आना, ठीक है? तो जिधर जिधर आपने वो जो अल्फाज लिखे थे वो सामने रख लो, जो लफ्ज नहीं आता था उसका मानी लिख लेना जी, मुझे नहीं रोकना, ठीक है? ओके जी, हंगुक सारमदरन कोरियन लोग, कोरियन आदमी, कोरियन लोग, ठीक है? आपने जो मैंने कहा था जी, जो लफ्ज नहीं आता उसका मानी लिख लो, ठीक है? लफ्ज लिख लो, जब हम पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, तो अब अपना क्लियर करना है जी वो लफ्ज, ठीक है? अंगूर सारमदरन कोरियन लोग, ख्योरन ख्योरन कहते हैं शादी को, ख्योरन शादी को, हादा करना गोना का मतलब है या, अंगूर सारमदरन कोरियन लोग, ख्योरनल हागोना शादी करे या ईसा, ईसा का मतलब होता है शिफ्ट होना, घर शिफ्ट करना, ईसारल खान हुए होने के बाद, हुए का मतलब है बाद, खाजोक फैमिली, ईना या खाजोक ईना फैमिली या छिंगू दोस्त, हवेसा कंपनी, थोंगनियो कंपनी के साथी, छिबे घर छोदे हानंदे दावत देते हैं, दोबारा जी कह रहा है हंगू सारमदरन कोरियन लोग, ख्योरनल हागो ना शादी करे या ईसारल हान हुए शिफ्ट, घर शिफ्ट होने के बाद, खाजुक इना फैमिली या दोस्तों को, हवेसा थोमनियो कंपनी वाले कंपनी साथ काम करने वाले साथियों को, छिबे घर छोदे हानंदे दावत देते हैं, ई गोसल इसको छिबदरी रागो हमीदा, इसको छिबदरी कहते हैं। कोरियन लोग जो है जब शादी करते हैं या अपना घर नया चेंज करते हैं या नया मतलब नई रिहाइश करते हैं, तो अपने दोस्तों को फैमिली को साथियों को जो है मतलब दावत देते हैं, इस दावत को छिबदरी कहते हैं, रागों का मतलब है कहते हैं। छिबदरी रल हलते छिबदरी करते वक्त, छिंगू दरल दोस्त छोदे हागो दावत देते हैं, खूस हरमदरी वो लोग, मोगल अमशिगल छंगमन हमदीदा खाने वाली फूड तैयार करते हैं, जो बंदा दावत देता है वो खाना तैयार करता है, बिल्कुल जी। क्रीगो और छोदे फादलल सारम फादन सारम दावत वसूल करने वाले लोग, छिबरी ये खलते छिबरी पर जाते वक्त, सुन मुरल छुम्बी हमनीदा तोहफा तैयार करते हैं, और जब जो बंदा दावत लेता है तो जाहिर है उसने तोहफा लेकर जाना है, तो कह रहा है जी छिबरी सोनमुल लो छिबरी के तोहफे के तौर पर, सेजे सरफ डिटर्जेंट ना या यूजी टिश्यू, इनगी का मतलब होता है मशहूर होना, इनगी गाइस समझदा मशहूर है, छिबरी के तोहफे के तौर पर सरफ और टिश्यू मशहूर है जी, क्यों देखते हैं जी, कह रहा है सेजनन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, छिबरी के तोहफे के तौर पर क्या चीज ज्यादा अहमियत रखती है या क्या चीज मशहूर है, सरफ और टिश्यू, कह रहा सेजेनन सरफ, खोफुम खोफुम कहते हैं जाग को, सरफ की जो जाग होती है जाग, सेंगिनन पैदा हो खुद छोरम की तरह, सरफ की जो जाग पैदा होती है उसकी तरह,
चौनीरी मानी सेंगी गो, अच्छे काम इरी काम, मानी बहुत ज्यादा, सेंगी का मतलब होना है पैदा होना। जिस तरह सरफ की झाग पैदा होती है ना, इसी तरह इस बंदे के काम, अच्छे काम ज्यादा पैदा हो। खूजा, खूजा का मतलब होता है अमीर होना। खूजा गा थुई रानन, अमीर होने के उइमी मायनी इतको है। ठीक है जी, इनकी सोच क्या है कि जिस तरह सरफ की झाग पैदा होती है, इस तरह इस बंदे के काम, अच्छे काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो और ये जल्दी अमीर हो, इसके मायने है। फिर उसके बाद यूजीनन टिशू, इरी काम सुल सुल फुलिनन, आसानी से खुलते जाए, टिशू का जो रोल होता है वो आसानी से खुलता जाता है ना। उइमी का इस समिदा मायने रखता है, इस बंदे के काम जो है वो आसानी से खुलते जाए, वसी होता जाए कारोबार। ठीक है जी, टिश्यू के ये मायने रखते हैं। उसके बाद कह रहा है जी, योजमन आजकल छोदे हान सारम, दावत देने वाला लोग फिर यो हान, जरूरत वाली खोसल चीज मुरो फोगो पूछ कर, मुरो फोगो पूछ कर फिर यो हान गोसल, जरूरत वाली चीज सा छूगी दो हमीदा, खरीद कर भी देते हैं। आजकल क्या है कि जो बंदा दावत देता है उसको पूछ लिया जाता है, जी मैं तेरे लिए क्या तोहफा लेकर आऊं, ठीक है, तो तोहफा खरीद कर भी दे सकते हैं। खरीगो और से छिबे नए घर में, ओ लिनन अच्छी लगने वाली, मैच करने वाली, शीगे घरी ना या वाबुन गुलदान, कथन की तरह का छांगशिक, छांगशिक यम खुम दो, छांगशिक खाने का सेट, खाने का सेट, सोनमुल लो तोहफे के तौर पर, इनगी का मान समझिदा मशहूरियत रखता है। इनगी का मतलब होता है मशहूर। टिक्की स्पेशली शिनो हुबू, शादी का जोड़ा, कपल कपल मियाँ बीवी, स्पेशली शिनो हुबू थिर एगे, कपल को देने के लिए कॉफी, कॉफी छन कॉफी जन, कॉफी का सेट, इना या सूजो सेट, सूजो चॉपस्टिक और चम्मच, सूजो सेट दुम वगैरह, हुबू, हुबू कहते हैं जोड़े को, कपल को, दोबारा लफ्ज वही है, कच्ची इकट्ठे, सुलसु इन्नन इस्तेमाल कर सकने के लिए, मुलगनल मानी चीजें बहुत ज्यादा, सुनमुल हमदीदा तोहफा की जाती है। कह रहा जी स्पेशली जो शादी का कपल है, जो मियाँ बीवी है, उनके इस्तेमाल के लिए कॉफी का सेट या सूजो चॉपस्टिक और चम्मच का सेट, ताकि वो दोनों इकट्ठे इस्तेमाल करें, तोहफा दिया जाता है। जोड़ो बुंदो हजरात आप भी, छिबदरी है छोदे फादमियन, छिबदरी की दावत वसूल करो तो, इरोन सोनमुरल चुनबी है बोसेओ, इस तरह के तोहफे तैयार करके देखिए। ओके जी, सेजे कहते हैं सरफ को, शिवजी टिश्यू, वाबुन गुलदान, कॉफी जन कॉफी का सेट, सूजो चम्मच और चापस्टिक का सेट, शीगे घड़ी। ओके जी, तो ये जी छिपरी का जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गई है जी थितकी, थितकी।